हेलो गाइस, वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग, कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम क्या देखने वाले, बर्थडे सेलिब्रेशन इन कोरिया। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी इस वीडियो की, तो ले आए आप लोग रिक्वेस्ट। आपके ये बनता है लाइक कमेंट और चले देखते हैं। जंकुक की बर्थडे है, सेलिब्रेशन हो रही है कोरिया में, देखते हैं कैसी होती है। और पू वापस कोरिया आ चुकी है और देखते हैं कि बर्थडे सेलिब्रेशन जंकुक की कैसी हुई थी और पू ने कैसे सेलिब्रेट किया। और पू को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में। लेट्स सी जंकुक की बर्थडे। हियर वी गो, हियर वी गो। मेरी प्यारी दुलारी बहनों यार। तो मेरी प्यारी सी छोटी सी क्यूटी सी मोटी सी बहनों, अगर आप एक आर्मी है ना, अगर आपको BTS बहुत पसंद है, तो आपको पता होना चाहिए कि आज कोई ऐसा वैसा दिन नहीं है, क्योंकि आज है जंकुक का हैप्पी वाला बर्थडे। तो जंकुक मेरे से कुछ थोड़े मोटे छोटे साल ही छोटा होगा, लेकिन मुझे फिर भी इतना अमेजिंग फील होता है कि कैसे एक इतना जवान लौंडा, इतना टैलेंटेड कैसे हो सकता है। वो एक सिंगर है, डांसर है, पेंटर है, उसको खाना बनाना आता है, खाना खाना आता है। सो क्योंकि आज जंकुक का बर्थडे है और आप में से बहुत सारी आर्मीज है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको जो कोरिया में, जो सोल में जंकुक के बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहे हैं ना, स्पेशली जो हाई बिल्डिंग है ना उसके आसपास में जो भी जंकुक के पोस्टर वगैरह लग रखे है ना, तो मैं वो आपको दिखाऊंगी। और एक्चुअली आज के मेन बर्थडे नहीं, मेरे पापा का भी बर्थडे है, तो पापा अगर आप ये देख रहे हो ना, तो बर्थडे। एक्चुअली बाहर जाने से पहले मेरे घर पर कुछ ये डब्बे डिलीवर हुए हैं। डब्बे कितनी शूटिंग दी है मेरी। तो ये वाले कुछ PR बॉक्स हैं। सबसे पहले हम ये वाला खोलते हैं, जिसका मैं बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ये वाला है एक टेडी ब्लैक का बैग, जो कि मेरा सेकंड बैग होने वाला है टेडी ब्लैक से। और उन्होंने मेरे लिए एक और दूसरा बैग भेजा है, सो आई एम सो हैप्पी। ये टेडी ब्लैक के जो बैग्स होते हैं ना, वो हाई ब्रांड होते हैं, लक्जरी ब्रांड होते हैं, लेकिन जो इनका प्राइस होता है ना, वो गुच्ची गबाना जो काफी यू नो हाई फाई ब्रांड्स होते हैं ना, उससे कम होता है। लुक एट दिस गाइस, सो प्रीटी। थैंक यू सो मच टेडी ब्लैक मुझे ये फ्री फंडे में बैग भेजने के लिए। आई लव यू। फायदा यही होता है भाई, तो क्योंकि आज बरसात आ रही है, तो मैं ये नहीं लेके जाऊंगी बाहर, क्योंकि पूरा गीला हो जाएगा, खराब हो जाएगा। सो मैं इसको संभाल के रखने वाली हूँ। जब मेरी बेटी पैदा होगी ना, तो उसके दहेज में मैं उसको ये बैग दूंगी। बट इससे पहले लेट मी शो यू माय हसन। स्कूल जा रही हैं, ब्लू कलर की वेस्ट, व्हाइट कलर की शर्ट। और एक्चुअली आज बरसात के साथ ठंडी हवा भी चल रही है, तो मैं ये जैकेट पहनने वाली हूँ। और मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे हैं कि दीदी ये कौन सी सर्दी है जो सिर्फ ऊपर से लगती है और नीचे से नहीं। तो क्योंकि मुझे कोरिया में ऑलमोस्ट 4 साल हो गए, तो मुझे पता होता है कि कब कैसे सर्दी लगने वाली। बाय द वे, मेरा थोबड़ा जितना एक्स्ट्रा चिकना क्यों दिख रहा है, शायद जंकुक का बर्थडे है इसलिए एक्स्ट्रा खुशी आ रही है मेरे थोबड़े पर। ये फालतू की बातें थोड़ी कम करते हैं और बाहर चलते हैं। गाइस वो बस देखिए, उसके ऊपर लिखा हुआ हैप्पी जंकुक डे। ओह माय गॉड जंकुक, यू आर सो हैंडसम बॉय। इस बारिश में जंकुक के बाल पूरे गीले हो रहे होंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है जंकुक का सिंगल चुपका है। जंकुक हैप्पी बर्थडे। अभी जंकुक 26 साल का होने वाला है। गाइस गेस करिए हम कहाँ पर आ गए। गाइस मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं हाई बिल्डिंग के सामने खड़ी हूँ। मैं इमेजिन कर रही हूँ कि BTS मेंबर रात को यहाँ पर आते होंगे, यहाँ पर बैठते होंगे, मौज मस्ती करते होंगे। और आई मीन द सेम प्लेस एज दे वर्क। बहुत अच्छा लग रहा है, काश आप भी मेरे साथ यहाँ पर होते। सो आप प्लीज अकेला फील मत करिए, क्योंकि मैं हूँ आपकी पूरी दीदी आपको कोरिया घुमाने के लिए। यहाँ पर रहा हाइप का सेकंड एंट्रेंस। यहाँ पर लिखा हुआ है हाइप, वी बिलीव इन म्यूजिक। शायद BTS ये वाला गेट इस्तेमाल करते होंगे अंदर जाने के लिए। तो इस स्ट्रीट पर रहे कुछ कॉफी शॉप जो कि जंकुक का बर्थडे बना रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कौन से वाले में जाऊँ। ये रहा नंबर 1 कॉफी शॉप, और यहाँ पर जंकुक की जो फेवरेट सैलेड और जो सैंडविच है ना वो बेचते हैं। गाइस इतने एक्सपेंसिव क्यों है सैलेड? कोई बात नहीं, जंकुक के लिए इतने तो पैसे खर्च कर सकते हैं ना। इट्स रेनिंग सो मच गाइस, मुझे बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है शूटिंग करते हुए। गाइस ये रहा दूसरा वाला कॉफी शॉप, और मैं सोच रही हूँ कि मैं इस वाले कॉफी शॉप में जाऊँ। ओह जंकुक के नाक पर चोट आ गई और माथे पर भी चोट आ गई। बट स्टिल यू आर वेरी वेरी हैंडसम। सो अभी हम अंदर चलते हैं। यहाँ से अम्ब्रेला को ऐसे वेव करते हैं क्योंकि अंदर गीला हो जाएगा।
Yogi, Yogi knows the tale. You can choose two flavor. Two flavor? Yeah, we fit both. Uh-huh. Yeah. 어떤 거 제일 맛있어요? 탄저린 아니면 레몬? 탄저린. This is Aljo. Yeah. 감사합니다. Can you say hello to my subscribers? Hello. Hello. Namaste. Namaste. Yes. Thank you. So cute. Thank you. So guys, ये रहा मेरा जूस. हम यहाँ पर बैठते हैं. अगर फर्स्ट करो अभी तू बैठी हुई यहाँ पे और जब तू गा रही है. So guys, स्टाफ़न में मुझे ये सब कुछ मिला है. ये वाला है टेंजरीन जूस और इसके ऊपर रहा जोंगकुक का फेस. मैं आज कुछ ज़्यादा फैंजर्लिंग कर रही हूँ तो प्लीज़ उसको माइंड मत करिए. सो अभी हम इसको शेक करते हैं. Let's open it. Wow, jolly surely. मैं ये वाला कप गंदा नहीं करना चाहती. So I'm gonna drink directly from here. Good, good, good. हर जगह सेलिब्रेट हो रहा है भाई का बर्थडे. हैप्पी जेके डे. सो यहाँ पर सारे अलग अलग आर्मीज ने एक मैसेज लिखा है. wow. तो मैं भी आपकी तरफ से यहाँ पर एक मैसेज लिखती हूँ और यहाँ पर हम लगाते हैं ताकि कि सब लोग देख सकें. यार व्लॉगिंग करना और छतरी को संभालना कितना मुश्किल होता है. गाइस मैं कॉफी शॉप में ज्यादा बात इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि जोर जोर से गाने बज रहे थे बीटीएस के और ऊपर से मेरे आसपास बहुत सारी आर्मी थी तो मुझे डर लग रहा था कि मैं उनको डिस्टर्ब कर रही हूँ तो उसकी वजह से मैंने ज्यादा बातें नहीं करी. ओ लुक एट दिस मोर जंगकुक्स पोस्टर्स. यार ये मेरी नागिन जैसी जुल्फे इतनी अजीब गरीब क्यों दिख रही है. और यहाँ पर एक और रही अभी मुझे ये रोड क्रॉस करनी है और ये रोड क्रॉस करने के लिए हम लेने वाले हैं ये लिफ्ट जो कि जाएगी ऊपर उस ब्रिज पर और ब्रिज को लेके हम दूसरे साइड पर जाएंगे. लेट्स गो. ओके नंबर टू. गाइस देखा आपने कोरिया कितना हाई फाई है. रोड क्रॉस करने के लिए लिफ्ट लेनी पड़ती है. कितने अमीर लोग रहते हैं कोरिया में. ये रहा वो ब्रिज. वो रही बिगेट की बिल्डिंग. वो रही एलजी की बिल्डिंग. ओके अभी हम वापस लिफ्ट लेते हैं दूसरी साइड पर जाने के लिए. मैं था मांगको इसका यार तू वापिस आ गया साइन लेने के लिए. ओके आराम से जाना गिर मत जाना. गाइज मैं वापस घर पर गई थी मेरे कपड़े चेंज करने के लिए क्योंकि बरसात में मेरे सारे कपड़े गीले हो गए और गेस करिए अभी बरसात बिल्कुल भी नहीं आ रही. ये तो होना ही था मेरे साथ नहीं होगा तो फिर किसके साथ होगा. सो क्यूट मोर टेडी बेयर. उस बिल्डिंग में वो बस क्या कर रही है. यहाँ पर आपको सिर्फ जो कुत्ते के कपड़े होते हैं ना वो मिलेंगे. There is a cute dog. इसने हम्बुक पहन रखा है. वो कुत्ते वाले कपड़े बहुत ही महंगे थे और हमारी इतनी हैसियत नहीं है मोंग मोंग को इतने महंगे महंगे कपड़े पहनाने की. गाइस मुझे बहुत प्यास लग रही है तो उसकी वजह से मैं आई हूँ स्टारबक्स में क्योंकि हम पैसे वाले लोग और हम स्टारबक्स की कॉफी और ड्रिंक पीते हैं. मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे लोग स्टारबक्स में फटाई कर सकते हैं. यार गेट खोल दे. गेट खोल दिया लोंडे ने. इसे बोलते हैं 2 मिलियन यूट्यूबर का पावर. सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं अभी कोरिया में रात हो चुकी है. एक्चुअली सिर्फ 7:30 ही बजे हैं लेकिन फिर भी इतना डार्क हो चुका है. और जो मेरी ओन्नी है ना वो अभी मोंग मोंग को लेने गई है पिकअप करने गई है मोंग मोंग जो स्पा है ना उसकी वहाँ पर.
तो अभी मैं उनका इंतजार कर रही हूँ कि वो मोंग मोंग को लेके आए ताकि कि मैं आपको मोंग मोंग दिखा सकूं। अभी आप सोच रहे हो कि मोंगमोंग ने कौन सी स्टाइल वाली नेकलेस पहन रखी है। एक्चुअली एक हफ्ते पहले मोंगमोंग की सर्जरी हुई थी उसकी पीपी पर, क्योंकि मैंने उसको न्यूचर करवाया है और उसके डॉक्टर ने बोला था कि अगर मैं ज्यादा इंतजार करूंगी ना तो मोंगमोंग को कैंसर होने का हाई चांस है, क्योंकि इसकी जेनेटिक्स में है कैंसर होने का। तो उसने उन्होंने बोला कि जल्दी से जल्दी इसका ऑपरेशन करना चाहिए, तो उसकी वजह से मोंगमोंग ने ऑपरेशन करा। और ये कॉलर इसलिए पहनाते हैं क्योंकि जो कुत्ते होते हैं ना वो लिक करते हैं, वो जहाँ पर उनको लग जाती है ना वहाँ पर वो चाटते हैं, तो अगर मोंगमोंग अपनी चोट को चाटेगा ना तो वो इन्फेक्शन हो जाएगा, तो उसकी वजह से उन्होंने ये लगा रखा है ताकि कि वो अपनी अपने आप को लिक ना करें। मुझे पता है कि आपको ये वापस बहाना लगेगा, लेकिन मोंगमोंग की वजह से मैं वापस प्रॉपरली टाइम पर अपलोड नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे मोंगमोंग का ध्यान रखना था, इसको डेली मुझे हॉस्पिटल लेके जाना था उसकी वुंड सैनिटाइज करवाने के लिए, उसके जो टांके लगे हैं ना जो स्टिचेस लगे ना उसको चेक करवाने के लिए। तो फाइनली कल मोंगमोंग अपने स्टिचेस पूरे निकाल रहा है, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा रिलैक्स कर सकती हूँ। ओ गाइस बाय द वे, हमारे स्टिकर्स मैंने आपको दिखाई भी नहीं, लेट्स ओपन इट। एक बटन वाली शर्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट ये वाला है जोंगकुक का पंखा, यहाँ पर लिखा हुआ है जोंगकुक और यहाँ पर रहा उसका कर्ट। यार कितनी अच्छी हवा मारता है ये तो। एनीवे गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही, आई होप कि आपको आज का भी बहुत ही अजीब गरीब ब्लॉग पसंद आया होगा। और जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो होने वाला है रिलेटेड टू कन्वीनियंस स्टोर और इंडियन क्लोथ आई थिंक, सो प्लीज अगले वीडियो का इंतजार रखना एंड आई लव यू सो मच। बाय बाय। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? nice यार बहुत ही अच्छा व्लॉग था और जंगकुक के पोस्टर हर जगह थे, मतलब पूरा शहर पूरा सोल बर्थडे मना रहे जंगकुक का। और यार हाई बुक को हाई बिल्डिंग में जाने का मौका मिलना चाहिए ना, अच्छा हाई बिल्डिंग वालों पू को अंदर लो यार, मजा आएगा, मैं भी देखने को मिलेगा हाई का अंदर कैसा दिखता है। और मजा आ गया इस वीडियो का, बहुत ही जबरदस्त वीडियो थी। कभी ना कभी तो पू मिलेगी किसी ना किसी मेंबर से या सबसे भी मिल सकती है, तो यार देखते हैं कि कब मिलती हैं और क्या पता हम भी मिले यार। मैं कोरिया जाऊंगा पू से, पू को लाजमी मिलूंगा भाई, पू भी जब मतलब BTS से मिलना हो ना हो पू से लाजमी मिलेंगे भाई। और मजा आ गया इस वीडियो का, आप लोग भी कमेंट करके बताना कैसी लगी वीडियो, कैसा लगा रिएक्शन, और पू को लाजमी सब्सक्राइब करना आप लोगों ने। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।